शासन किया है, लेकिन कांग्रेस के समय देश का जो चार हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज इनसे सात राज्य हो गए हैं। ये सात राज्य कांग्रेस के शासनकाल के समय बीमारू राज्य कहे जाते थे। बीमारू राज्य का मतलब जहां सड़क न हो, जहां बिजली न हो, जहां पानी न हो, जहां स्कूली शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो, जहां स्वास्थ्य के उत्तम प्रबंधन न हो, जहां किसानों के लिए कोई उचित साधन खेती बाड़ी के न हो, और जहां पर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम न मिलता हो, और रोजगार के लिए नौजवानों के लिए कोई साधन न हो, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने इस देश को नक्सलवाद दिया, कांग्रेस ने इस देश को अलगाववाद दिया, कांग्रेस ने इस देश में विभाजन की राजनीति को जन्म दिया, और कांग्रेस आज भी अपनी इस विभाजनकारी मानसिकता से उभर नहीं पा रही है। कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता आज भी आपको दिखाई दे सकती है। आज यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष आए होंगे, और मुझे आश्चर्य हो रहा था जब वो सुबह अजमेर शरीफ गए थे तो वहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा गोत्र है। मैं ताज्जुब कर रहा था, राहुल गांधी आज अपने गोत्र पर भी उतर आए हैं। हमने तो कभी नहीं पूछा गोत्र, क्योंकि राहुल गांधी के परनाना कहते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, और उनकी चौथी पीढ़ी में आने वाला व्यक्ति आज कहता है कि मेरा गोत्र फलाना है। मित्रों, ये हमारी राजनीति केवल वैचारिक विजय ही नहीं, हिंदू शाश्वत है और सत्य है, इस बात को भी प्रदर्शित करता है। हमें हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, यह इस बात का एहसास करता है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल जी को बताना चाहिए कि भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए, और नकल के लिए अकल इसलिए, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके पालती मार करके बैठते हैं। राहुल गांधी जी जब गए थे सोमनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए तो घुटने के बल बैठे, तो पुजारी ने कहा भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं है, यहां पे कम से कम पालती मार के बैठो। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आज उसके मुंह से पता नहीं किसने बोल दिया कि गोत्र भी होता है कुछ। इससे पहले उसने जनेऊ दिखाने का कार्य किया था। मित्रों, पूरी कांग्रेस इस बात को मानती है। मैं और स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज को मैं आप सबके उत्साह के बाद मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जाती है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की हार सुनिश्चित है, और स्वामी जी आपकी जीत तो पक्की है, अगर राहुल गांधी आ गए तो आपकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के नेताओं ने मान लिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत सकती। एक और मित्रों, एक तरफ कांग्रेस नेतृत्वविहीन है, आप उस सेना का अनुमान कर सकते हैं जिसका कोई सेनापति ना हो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास देश और दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है।